नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। रोटी बनाने से पहले गर्म तवे पर कर ले ये छोटा सा एक उपाय, बदल जाएगी आपकी किस्मत और माँ लक्ष्मी जी का, माँ अन्नपूर्णा का वास आपके घर पर हमेशा हमेशा के लिए बना रहेगा। दोस्तों, किचन में रखा तवा आपकी किस्मत बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। यदि वास्तु के अनुसार बताए गए तवे से जुड़े कुछ नियमों का पालन किया जाए तो इससे आपके जीवन में आने वाली समस्याएं दूर हो जाएगी। दोस्तों, वास्तु शास्त्र में घर की हर एक चीज का उपयोग और उसके रखरखाव के बारे में बहुत सारे नियम बताए गए हैं। ऐसा ही एक नियम है रोटी बनाने के तवे का। जी हाँ दोस्तों, तवे को लेकर यदि कुछ वास्तु टिप्स फॉलो किए जाए तो हमेशा हमेशा के लिए उस घर में बरकत बनी रहती है। माँ लक्ष्मी जी की मेहरबानी से धन धान्य से भरा रहता है वो घर। तवे का उपयोग करते समय की गई असावधानियाँ आपकी समस्या का कारण बन सकती है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो की। इससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर देना ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में रोटी बनाने के तवे को लेकर कारगर टोटका बताया गया है। यह टोटका माँ लक्ष्मी जी की अपार कृपा दिलाता है, घर में बरकत लाता है। इसके लिए रोज रोटी बनाने से पहले आप गर्म तवे पर कच्चे दूध के कुछ छींटे अवश्य डालें। इसके बाद बनाई गई पहली रोटी आप गाय को खिलाएं। ऐसा करने से आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी, आपके घर से बरकत कभी नहीं जाएगी। रोटी बनाने के बाद कभी भी तवा खड़ा ना रखें, वरना आपके घर परिवार में या परिवारजनों की सेहत पर बुरा असर पड़ता है अगर आप घर में तवे को खड़ा रखते हैं तो। खासकर रात के समय अगर आप खाना बनाकर तवे को साफ करके छोड़ते हैं तो इसका भी बुरा असर पड़ता है। रात के समय आप तवे को कभी साफ ना करें और कढ़ाई को कभी गंदा ना छोड़ें। अगर आप ऐसा करते हैं तो राहु का बुरा असर देखने को मिलता है। एक उपाय मैं आपको और बता देना चाहती हूँ। रोटी बनाने के पहले जब भी आप तवे को गैस पर चढ़ा रहे हैं, रख रहे हैं, तो उस पर थोड़ा सा सादा नमक अवश्य डालें। ऐसा करने से वास्तु दोष दूर होते हैं। नमक के प्रभाव से घर की अनबन दूर होती है, घर में कलह कलेश नहीं रहता है। इसके बाद आप रोटी पकाएं। पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को खिलाएं। ऐसा करने से घर पर अगर कोई संकट आया हो तो वो टल जाता है और सभी देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। रोटी बनाने के बाद आप तवे को ऐसे स्थान पर रखें जहां पर एकदम से किसी बाहरी व्यक्ति की नज़र ना पड़े। दोस्तों, तवे को छिपाकर ही रखना चाहिए, तवे को कभी सामने न रखें। तवे को हमेशा आड़ा करके रखें, खड़ा तवा घर में अच्छा नहीं माना जाता है और तवे को खाना बनाने के बाद दाई दिशा में रखना अच्छा माना जाता है। गर्म तवे पर कभी आप पानी न डालें क्योंकि इससे निकलने वाली जो छन्न की आवाज़ होती है वो जीवन में मुश्किलों का कारण बनती है। जीवन में बहुत सारी मुश्किलें घर कर जाती है अगर आप हर रोज़ ऐसा करते हैं तो। आप भूलवश भी गर्म तवे पर पानी के छींटे न डालें। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यहीं तक। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ऐसे ही और वीडियोज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको समय पर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा।